हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम एवन कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड देखा था एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में, जिसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड तक सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। एक पार्ट रह गया था जिसका नाम था चेंज इन डिमांड, बट कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया पार्ट फोर, बट आज इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। रीजन सिंपल सा ये था, आप लोग मेरे हाथ में देख रहे होंगे, कुछ इंजरी हो गई थी इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था रेगुलर बेसिस पे। तो बट आपका न्यू ईयर से पहले अब मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। प्रॉब्लम अभी भी है, बट आप लोगों को सिलेबस कराना है तो मतलब कराना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, कॉमर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उसका मैं आपको लाइव क्लासेस लूंगा बहुत ही जल्द, और लाइव क्लासेस में आपको सारे सॉल्यूशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग फाइनल अकाउंट की करेंगे। बहरहाल फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं आज की टॉपिक चेंज इन डिमांड की, ठीक है? देखो, चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है? देखो, डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा है अभी, डिमांड में चेंज होता है दो रीजन होता है। एक तो क्या होता है, प्राइस की वजह से। एक तो क्या होता है बच्चों, प्राइस की वजह से जब कोई चेंज आ जाता है तो उसमें डिमांड में चेंज होता है। भाई प्राइस मान लो ये है आपका, इधर डिमांड है, प्राइस अगर 10 है, 5 है, 10 था आपकी डिमांड तो 20 थी, 5 हो गया डिमांड आपने बढ़ा दी। तो प्राइस जब भी घटता है तो डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है, देखो पहला होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो डिमांड में चेंज कब होता है? पहला रीजन होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने में से। और दूसरा रीजन क्या है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अदर फैक्टर समझते हो, जैसे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो वो डिमांड बढ़ा देता है, कंज्यूमर की इनकम घट जाए तो डिमांड घटा देता है। कोई चीज अगर हमारे टेस्ट में आ जाए तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगा, कोई चीज अगर हमारे टेस्ट से चली जाए तो हम लोग डिमांड घटा देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। तो डिमांड दो वजह से चेंज होती है, इस ग्राफ को बना लेना, बहुत फायदा आएगा, फायदा होगा आपको, ठीक है? तो डिमांड दो वजह से चेंज होती है, एक तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से चेंज होती है, दूसरा होता है इसके जो अदर फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, ठीक है? तो अब देखो, अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म एज मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है? इसको किस नाम से हम लोग टर्म क्या देंगे, इसको चेंज इन क्वालिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा। और अगर अदर फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड में चेंज होगा तब क्या लिखेंगे हम लोग, शिफ्ट ऑफ द डिमांड, शिफ्ट ऑफ द डिमांड, या फिर चेंज इन डिमांड। क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। होता क्या है, जब प्राइस की वजह से चेंज होता है तो आपको मूवमेंट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? मूवमेंट दिखाई देती है। जब आप कर्व बनाओगे, कर्व बनाते हो ना, तो उसमें आपको मूवमेंट दिखाई देगी, यहां से यहां हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा, तो कुछ आपको मूवमेंट दिखाई देती है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, डिमांड शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट का मतलब यहां से यहां चली जाती है। अभी जब कर्व बनाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? अभी मैं नॉर्मली इतना समझ लू, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में क्या होता है, शिफ्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इसमें क्या दिखता है आपको, मूवमेंट दिखाई देती है। क्या होती है? मूवमेंट दिखाई देती है। क्या मूवमेंट दिखाई देती है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? उसके बाद इसको जब हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस एज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जब इसको हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे, मतलब जब ग्राफ बना के दिखाएंगे, कर्व बना के दिखाएंगे, तो क्या होगा, इसमें दो मूवमेंट होगी। क्या होगी? दो मूवमेंट। एक तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, डाउनवर्ड, और दूसरी क्या होगी, अपवर्ड मूवमेंट। जब मूवमेंट होगी प्राइस की वजह से, कर्व में जो मूवमेंट होगी दो तरह की होगी, एक क्या होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट, और सेकेंड क्या होगी, अपवर्ड मूवमेंट। अभी कर्व बना रहा हूं, सब समझ में आएगा, ठीक है? अभी इतना समझ लो, दो तरह की मूवमेंट होगी, एक होगी डाउनवर्ड मूवमेंट और एक होगी अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, और अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो आपकी बुक में हो सकता है इस नाम से दे रखा हो, कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन, ठीक है? उसी को डाउनवर्ड और एक्सपेंशन बोलते हैं, अपवर्ड को हम लोग कॉन्ट्रेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन अगर ग्राफिकली जब एक्सप्रेस करोगे तो अगर इसमें शिफ्ट होगी, तो डिमांड दो तरह से शिफ्ट होगी, एक होगा इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। कैसे चेंज होगा अभी दिखाता हूं, ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, अब ये दिखाता हूं और समझ में एक बार में आ जाएगा, और आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इसलिए ध्यान समझना। देखो यहां पर क्या है, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं प्राइस, और यहां पर हम लोग लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? क्वांटिटी डिमांडेड, और अगर मान लो
प्राइस अभी आपका 10 है, प्राइस क्या आपका 10 है, तो डिमांड कितनी है आपकी 50, और जब आपका प्राइस नहीं सॉरी 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है आपकी मान लो 100, और जब प्राइस 20 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई 50 हो गई, समझ में आ रही बात। तो जब प्राइस यहाँ पे क्या दिखा रहा, प्राइस क्या है 10 था तो डिमांड कितनी होगी 100, और जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगी कम, ठीक। अब दूसरा देखो, एक और लेते हैं, यहाँ पे ले लो प्राइस और यहाँ पर मैंने ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो जब प्राइस 20 था तो डिमांड कितनी थी 50, और जब प्राइस 10 हो गया तो डिमांड कितनी होगी 100। अब इसको इसको ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से क्या चेंज आता है, जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 100, जब प्राइस 20 तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 50, यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या हो रही है कम हो रही है। तो अगर इसको हम लोग ग्राफिकली दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। हम लोग इधर साइड प्राइस लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ आप लोग नोट कर लेना। तो इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस को बोलते हैं हम लोग y एक्सिस, इधर हम लोग क्या लेते हैं प्राइस, और इधर हम लोग क्या लेते हैं क्वांटिटी डिमांड, आपको पता ही है बता चुका हूं पहले भी लास्ट क्लास में, यहाँ लिया 0, तो प्राइस कितना है 10, फिर प्राइस कितना है 20, और यहां पर कितना है 100, और यहां पर कितना है सॉरी पहले 50 ले लो, 50 और फिर 100। अब देखो जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 100, तो प्राइस जब 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 100, समझ में आ रही बात। अब देखो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा ए, ठीक है, पॉइंट हमारा क्या होगा ए। अब जब हमारी जो प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी 50, जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी 50, तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट बी, क्या हो गया हमारा पॉइंट बी। तो अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, देख लो ये ऐसे बनेगा, यू ही बनेगा ना ए से बी, तो अब स्लोप कैसा बन रहा है ये तो आप बता दोगे, कैसी मूवमेंट कैसा स्लोप बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है, ये देख के समझ में आ रहा स्लोप कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। लेकिन देखो मूवमेंट कैसी हो रही है, मूवमेंट कैसी डाउनवर्ड है कि अपवर्ड, जल्दी बताओ कैसी मूवमेंट हो रही है, ए से बी जा रहे हैं, क्या हो रही है ए से बी जा रहे हो, तो मूवमेंट कैसी हो रही है बच्चों अपवर्ड मूवमेंट, कैसी मूवमेंट हो रही है अपवर्ड मूवमेंट, समझ में आ रही बात। और अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, तो यहां पर लिख सकते हो आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, समझे कि नहीं समझे। देखो क्या हो रहा है, जब प्राइस आपका 10 था तो आपकी डिमांड कैसी थी 100, जब प्राइस 20 हुआ डिमांड क्या हुई 50, तो पहला पॉइंट ए फिर बी, तो आप क्या हो रहा है ए से बी जा रहे हो ऊपर, है ना ऊपर जा रहे हो, तो क्या हो रही है अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, और अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आई थिंक, यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, क्लियर है। देखो दूसरा, दूसरा क्या बोल रहा है कि जब प्राइस 20 है तो डिमांड कितनी हुई है 50, और जब प्राइस 10 हुआ तो डिमांड कितनी 100, यानी कि प्राइस जब घट रहा है तो डिमांड क्या हो रही है बढ़ रही है। इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, देखो दो एक्सिस ले लो, एक आपका हो गया एक्स एक्सिस और एक क्या हो गया आपका वाई, क्या हो जाएगा आपका एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अब लोग को उसी तरह हम लोग यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कितना है 50 क्वांटिटी डिमांड में, और यहाँ कितना है 100, और प्राइस क्या है आपका 10 और 20, यहाँ पे एक 10 ले लो एक यहाँ पर 20 ले लो। अब क्या बता रहा, देखो ध्यान से, जब प्राइस 20 से कितना है, जब प्राइस 20 तो डिमांड कितनी है 50, 20 पे क्या करोगे आप 50, यही पॉइंट बनेगा एक ठो, तो हम लोग इसको यहाँ पे नीचे ले आओ, तो ये जो पॉइंट बना आपका क्या है ए। अब देखो 10 से 100, 10 पे 100, तो 10 कहाँ है ये और 100 कहाँ है भाई ये, ठीक है, तो यहां पे ले आओ, यही बनेगा ना 10 से 100, समझ में आ रही बात। ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका बी, कौन सा पॉइंट हो गया आपका बी। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ए पॉइंट ये है बी ये है, तो कैसा स्लोप तो वही बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है, इसमें तो वही सेम बन रहा है, लेकिन इसमें डिमांड क्या हो रही है देखो जल्दी से, मतलब यहां पर क्या अपवर्ड मूवमेंट था, आप यहां से ए से बी गए थे, बट यहां पे ए से बी क्या हो रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, कैसे आ रहा है ए से बी नीचे की तरफ आ रहा है, तो कैसी मूवमेंट हो रही बच्चों डाउनवर्ड मूवमेंट, कैसी मूवमेंट हो रही बच्चों डाउनवर्ड मूवमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड,
समझ में आ रही बात? देखो तो ए से बी की तरफ आए तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ए से बी ऊपर की तरफ गया तो क्या हुआ, क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। और जब ए से बी नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कैसे मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना। इतना समझ लो जब प्राइस कभी भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, और जब कम होगी तो यहाँ पर कैसा बनेगा आपका, अपवर्ड मूवमेंट होगी। और जब प्राइस के क्वांटिटी मार्ट क्या हो रही है यहाँ पर देखो बढ़ रही है, जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड क्या हो रही है बढ़ रही, तो वहां पर कैसा मूवमेंट हो रहा है आपका, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पर अपने प्राइस और क्वांटिटी मार्ट लेना और देखना वहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही, यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए, समझ में आई बात। अब हम लोग देखेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड, क्या समझेंगे, शिफ्ट कैसे होती है डिमांड, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फिर डिमांड को शिफ्ट करना भी सीखते हैं। हाँ तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड हमारा कि जो है चेंज इन डिमांड, हम लोगों ने देख लिया प्राइस में क्या चेंज होता है। अब ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन उसके अदर फैक्टर में चेंज होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, यानी कि डिमांड में चेंज हो रहा है, समझ में आ रही है, डिमांड में चेंज होगा। तो डिमांड में चेंज होगा तो क्या होगा भाई, देखो मान लो ये आपका प्राइस है ना और ये आपकी डिमांड है, ठीक है, कौन डिमांड मान लो, तो अब मान लो प्राइस आपका 10 है, प्राइस आपका 10 है, ठीक है, डिमांड कितनी थी आपकी 100, अब बाद में कितनी होगी आपकी डिमांड 200, ठीक है, एक यहां पे ले लिया और दूसरा हमने ले लिया प्राइस, यहां पर ले लिया मैंने डिमांड। अब जब प्राइस आपका 10 था तो डिमांड आपकी कितनी थी 100, फिर प्राइस आपका 10 ही है, डिमांड कितनी होगी 50, ठीक है। अब देखो समझो बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर की वजह से कभी डिमांड बढ़ रही कभी डिमांड घट रही। जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसका नाम है राहुल, तो प्राइस तो कोई भी चीज का 10 ही था, है ना, 10 रुपए लीटर ही था कोई भी चीज थी, तो उसकी इनकम पहले कम थी तो कितना लेता था, क्वांटिटी डिमांड कितना करता था 100, लेकिन बाद में क्या हुआ उसकी इनकम बढ़ गई तो वो 10 चीज कितना ले लेगा 200 ले लेगा, 10 में 100 लेता था, इनकम उसकी घट गई, उसने 10 प्राइस उतना ही है लेकिन डिमांड कितनी कर रहा है वो 50 कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कैसा कर्व बनेगा, तो जल्दी से फटाफट एक ले लो आप x एक्सिस, एक ले लो आप y एक्सिस, ठीक है, तो यहां पर मैंने लिया 0, यहां पर मैंने लिया प्राइस कितना, प्राइस इधर लिया था, यहां पे ले लो 50, यहां पे 100 है और यहां ले लो 200, और यहां कितना है आपका प्राइस 5 ले लेते हैं 5, और फिर यहां ले लेते हैं हम लोग 10, ठीक है। अब बताओ यहां पर देखना समझ में ध्यान से, प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 100, तो 10 पे 100, 100 कहां है ये है, ये कैसा पॉइंट हो गया हमारा ए। अब यहां पे कितना है 10, प्राइस 10 ही है और क्वांटिटी डिमांड कितनी है 200, अब देखो क्या हो रहा है, ये बन रहा है आपका, तो पॉइंट कहां बनेगा दूसरा वाला आपका बी। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, दिख रहा आपको कुछ, तो कैसी यहां पर डिमांड क्या हो रही, शिफ्ट हो रही है। अभी उसमें आपने देखा था यू बनाते थे, अब ऐसे होता था है ना, इस तरह से हो रहा था या ऊपर जा रहा था या नीचे आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रही डिमांड, मतलब देखो ए से बी हो रही है, समझ में आ रही बात, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, डिमांड इस जगह से उस जगह पर शिफ्ट हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड, समझ में आई बात। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हो रही डिमांड, इंक्रीज हो रही है घट रही है डिमांड, देखो ध्यान से, इंक्रीज इन डिमांड भाई, प्राइस 10 था डिमांड 100 थी, प्राइस 10 ही है लेकिन डिमांड क्या होगी 200 होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, क्या बोलेंगे बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आई बात, कोई डाउट होगा तो कर लेना, थोड़ा सा टॉपिक कंफ्यूजिंग है तो एक दो बार करके अच्छे से देखना। अगला देखो दूसरा वाला देखते हैं, यहां पर प्राइस है एक्स, यहां पर क्या है वाई, तो अब यहां पर देखो मैंने लिया 0, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 50 है एक बार, और एक बार कितनी है 100, यहाँ पर प्राइस ले लेते हैं हम लोग एक बार 5, एक बार हम लोग लेते हैं 10, तो 10 पे कितना है डिमांड पहले 100, तो जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी 100, तो यहाँ पर देखो 100, ये पॉइंट हमारा हो गया ए, प्राइस कितना है 10, डिमांड कितनी है 50, तो 10 पे आओ, डिमांड कहाँ है, फिर से आओ यहीं पे 50, दूसरा पॉइंट कहाँ बन रहा है ये हमारा कैसा पॉइंट हो गया बच्चों, बी पॉइंट, क्या हो गया हमारा बी पॉइंट, डिमांड कहां हो रही, अब देखो ए से बी जा रही है लेकिन इधर इंक्रीज हो रही थी, आगे जा रही थी, लेकिन यहाँ क्या 10 पे 100 और 10 पे 50 हो गई, डिमांड घट रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
डिक्रीज इन डिमांड, क्या बोले मुच्छू जी, बोलो बोलो, डिक्रीज इन डिमांड, समझ में आया कि नहीं आया? तो हो गया ये टॉपिक भी आपका खत्म, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, दो चार बार ग्राफ बना के देख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे पूरा। इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। अदरवाइज उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गए, तब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना, और जितने भी आपके क्लासमेट हो, जितने भी बच्चे हों, उनको भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और आप लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, थोड़ा सा मोटिवेट करना, भाई चोट लगने के साथ साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग एटलीस्ट लाइक तो करो, थोड़ा सा मोटिवेशन तो दो कि ताकि और एग्जाम तक मैं आप लोगों के लिए जितनी से ज्यादा हेल्पफुल चीजें हो सके मैं वो आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम ला सकूं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टेक्ट कर लेना। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए, और अच्छा हाँ, आपके चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ेंगे और फिर सप्लाई भी पढ़ेंगे। आपको न्यू ईयर से पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।